आप कजन है इनकी? जी. पक्की से ली है। जी. पक्की और जो साथ बैठी है, वो कौन है? ये मेरी हैं. आप दोनों जी कुछ कहना चाहती हैं आप दोनों? जी. क्या मैं आपके लिए शेर सुनाना चाहूँगी सुनाओ. सरे दूर हो सरे हशर हो हमें इंतजार कबूल है वो कभी मिले वो कहीं मिले वो कभी सही वो कहीं सही इमरान भाई ये शेर टी वाला सुना है ओके <laughs> <laughs> सही है <laughs> क्या हाल है ठीक आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके लिए पोइट्री दिल भी तूने बनाया नसीब भी है खुदा दिल भी तूने बनाया नसीब भी है खुदा फिर वो दिल में क्यों है जो नसीब में नहीं तो वाँ वाँ, वाँ। वाँ। फिर वो दिल में क्यों है नसीब में नहीं। शायर। एक कार भी शायरी गल कर दी ने जरा समीना मुझे चमचा पकड़ा देना और जाती हुई घर का दरवाजा भी लगा देना थैंक 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 यू 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 अस्सलाम वालेकुम सलाम सर कैसे हैं अरे सर मेरा क्वेश्चन है सर बासित से पाकिस्तान टीम में कोई क्वालिटी ऑसपिनर नहीं आया इतने से सर सकलेर मुश्ताक साहब के बाद जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के बाद नैथन लियोन है इंडिया के बाद अश्विन है सवाल आपका बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ ऑफ स्पिनर आ रहे थे क्योंकि मैं सिलेक्शन कमेटी से भी रहा जूनियर का चीफ सेलेक्टर था उस टाइम पे ऑफ स्पिनर आ रहे थे लेकिन जब सईद अजमल पे एलिगेशन लगा ना बट्टा वहाँ से आना ऑफ स्पिनर बंद हो गया क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बायो मकैनिक्स जो एक चीज़ है मशीन है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पंद्रह डिग्री से ज़्यादा बट्टा कर रहे थे मतलब जर्क कर रहे थे उस वजह से ऑफ स्पिनर्स की लाइफ खत्म हो गई और जब से ये टी ट्वेंटी आई ना ऑफ स्पिनर की लाइफ खत्म हो गई क्योंकि सब लपेटे मारते हैं स्पेशली राइट हैंडर और जो आपने अशिन की बात करी उसके पास तजर्बा बहुत ज्यादा है बिल्कुल तो वो सरवाइव कर रहा है थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैसे हैं सर आप मैं बिल्कुल ठीक आप कैसे मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप मैं आपको पंजाबी में कुछ सुनाना चाहती हूं सुनाइए ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਇਸ ਦਿਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ जी थैंक यू थैंक यू वेरी मच जी जनाब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर नाम असद अली है और मैंने भी तखल्लुस तो रोगी रखा हुआ है असद अली रोगी जी सर सर मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मैं मजाकरात में आया हूँ क्या बात है क्या करते तो, हैं आप सर मैं पंजाबी का शायर हूँ शायरी कब से लिख रहे हैं आप सर मेरे वालिद साहब थे पंजाबी शायर के तालब रोगी साहब अरे ओ, बड़े गाने भी पढ़े जी नुसरत फतेह अली साहब ने भी पढ़े है हुए हैं और तेरे बिना रोगी प्यासे नैन लाइनें तो उनके, उनके बेटे के लिए डेडिकेट कर देना थैंक यू सर तेरे बिना रोगी होए प्यासे तेरा नाम सजन किथे जावा आवे ना किते मैनू चे तेरे बिना थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अपना कुछ सुनाइए ना सर मैं आप सब की इजाजत से कुछ मैं सर की नजर करना चाह रहा हूँ आजा वतनी जे सरे ते आहा वाह वाह ਫੇਰ ਜੂ ਆਵੇਂਗਾ ਮਰੇ ਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਆਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਚਾ ਵਾਹ 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 रोगी पै गए फेर वरे थे बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा आपने लिखा क्या बात है आपकी? थैंक यू थैंक यू वेरी मच